हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। फ्रेंड्स, मैं हूँ बाहर। मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 दिन मैं बहुत बिजी हूँ, तो देखिए 3-4 दिनों की थकान भी अब दिखने लगी फेस पर। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक वीडियो। एक औरत है जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, क्योंकि शायद वो उसकी परवरिश ही इतनी गंदी है। और इस औरत, गंदी औरत को मेरे पीछे लगाया है किसने? इस गंदी, इस जैसी कुछ गंदी औरतों को मेरे पीछे इस महानालायक बुड्ढे ने लगाया है। ठीक है, तो ये महानालायक बुड्ढा जो है, इन कुछ 2-4 कुत्तियों को पाल कर इसने रखा हुआ है। जो ये कुत्तियाँ क्या करती हैं कि इस महानालायक बुड्ढे का घर का नौकरानी का काम करती हैं, और इस घर के बुड्ढे की कमोड वगैरह साफ करती हैं ये जो औरतें हैं। तो ये इतनी गंदी हैं, तो एक्चुअली गंदी इस आदमी के घर की गंदगी साफ करते करते इन औरतों ने ना, मतलब इनकी जबान भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। ठीक है, तो इनकी गंदी जबान को बोलने के लिए मैं अपनी जबान उनके जैसी गंदी तो मैं नहीं करूँगी। और रही बात जो ये लोग बाप भाई वगैरह पर आती हैं, तो इनके घर में वैसे ही रिश्ते बनते हैं, और जैसा उसने बोला है या जिस तरह से वो अपने आप को प्रिटेंड करती है, तो इसके घर में ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। ठीक है, जिस तरह जो दूसरों को, जैसे चोर को सारे लोग चोर ही दिखते हैं ना, तो ये गंदी औरत है तो इसे सब लोग गंदे ही दिखते हैं। तो घटिया जलील औरत है ये। ठीक है, और है एक नंबर की, मतलब घटिया, बहुत ही घटिया इस औरत, ये इतनी घटिया औरत है कि इसे तो मैं अपने घर का कम्बोर्ड भी ना साफ करवाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसे अपने घर का कम्बोर्ड भी साफ़ करवा लूँ ना, तो मेरे घर का कम्बोर्ड भी गंदा हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर का जो स्वीपर है, जो कम्बोर्ड साफ़ करता है, वो बहुत अच्छा साफ़ करके जाता है, और बड़ा अच्छा बंदा है वो। सिर्फ कम्बोर्ड ही नहीं साफ़ करता है, वो सीढ़ी वगैरह हर चीज़ साफ़ कर देता है, घर के बाहर की जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है सबको साफ़ कर देता है। ठीक है, तो इस गंदी और जलील औरत से तो मैं मेरे घर का कम्बोर्ड तक ना साफ़ करवाऊँ, बट इस औरत को ये कहाँ से गलतफहमी हो गई है जो ये मेरे बारे में बात करती है। तो सुन ओए घटिया जलील औरत, तू है सड़ी हुई फफूंद। सड़ी हुई फफूंद मतलब समझती है ना, फंगस। तेरे मुँह में सड़ा हुआ फफूंद फंगस लगा हुआ है, इसलिए तेरी जबान से सिर्फ गंदी ही बातें निकलती है। ठीक है, और हमारे में शादियां कैसे होती हैं? हमारे में जब गोत्र भी एक हो जाता है ना, तो हमारे में शादियां नहीं होती हैं। जैसे तू बोलती है ना, अगर मैं बोल दूं तो बात तुम लोगों को, तुम लोग क्या करोगे, बात घुमा दोगे, फिर तुम लोग बात हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान पर ले जाओगे। तुम लोग इतने गिरे हुए हो, तुम लोग इस टाइप के घटिया लोग हो, तो इसलिए मैं वो सब बातें तो नहीं बोलना चाहती। वैसे पूरा जग जाहिर है कि किस में कैसी शादी होती है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि किस में कैसी शादी होती है। तो ये तुझे पता होगा, तो मुझे बोलने के लिए, और मैं मेरे सारे मुस्लिम भाई बहनों से माफ़ी मांगती हूँ, सारे पाकिस्तान से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने किसी भी देश को या धर्म को इसमें टारगेट नहीं करा है। मैंने एक गलीच घटिया औरत को टारगेट करा है जो कि नौकरानी का काम करती है। ये एक्चुअली इतना गंदा काम करती है, ये औरत ना बहुत गंदा काम करती है। तो इतना गंदा काम करने वाली जो ये औरत है ना, तो ये इसका चेहरा एक्चुअली दिखाने लायक नहीं है, तो ये अपना मुँह दिखाती नहीं है। अगर तेरे पिछवाड़े में इतना दम है ना, तो तू अपना मुँह दिखा। ठीक है, अपना मुँह दिखा के तू बात कर, उसके बाद फिर तू बोलना। तो इस औरत के जो शरीर में, मतलब शरीर में, मन में जितनी गंदगी है या फफूंद जो लगा हुआ है, ये YouTube पर लाने की कोशिश कर रही है। तो ये घटिया औरत, तो तू अपने मन की गंदगी, अपने शरीर की गंदगी, अपने मन की फफूंद, ये सब अपने अंदर रख, और YouTube को गंदा मत कर तू। समझ में आया? और जो इस महानालायक बुड्ढा जो कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तो अपने इस महानालायक बुड्ढे के घर की तू टट्टी साफ कर या जो भी कर, ये तेरी मर्जी है। ठीक है, लेकिन दूसरों को गंदा बोलने की कोशिश मत कर। मेरे बच्चे पे जाएगी तो तेरे जवान खींचकर तेरे हलक में लपेट दूंगी मैं, इतना याद रखना। और तेरा पिछवाड़ा में अगर इतनी गर्मी है ना, तो जा अपने उस बॉयफ्रेंड के पास, वो महानालायक बुड्ढे के पास, वो ही तुझे ये करेगा। ठीक है, अपनी गंदगी, अपनी गर्मी YouTube पे मत दिखा, वरना मैं अलग से तेरे लिए एक रोस्ट चैनल बना लूँगी, और रोस्ट चैनल बनाकर फिर मैं अपनी जबान गंदी करने पर मजबूर हो जाऊँगी। मैं, अगर लोग मेरे संस्कार की बात करते हैं, तो मेरे संस्कार फिर मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि मेरे संस्कार मेरी फैमिली, मेरे समाज, मेरे घर और बाकी चीज़ों के लिए है। लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में हाथ डालना ही पड़ता है, तो तुम जैसी गंदगियों को जवाब देने के लिए फिर मुझे भी अपना मुंह गंदा करना पड़ेगा, और मैं कर लूँगी, एकदम आराम से कर लूँगी। और सिर्फ तुम जैसी गंदगी नहीं, अब जितनी भी औरतें, चाहे वो कहीं से भी हो, अगर वो लोग मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली पर आएंगी, तो मैं इन लोगों की ऐसी वाट लगाऊंगी कि इन लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से रोस्ट करना क्या होता है,
और मैं गूगल खोल खोल कर बैठूंगी गालियों का पिटारा लेकर, फिर मैं भूल जाऊंगी, मैं अपनी सारी लिमिट भूल जाऊंगी, सब कुछ मैं भूल जाऊंगी, और भूल कर उसके बाद फिर मैं भर भर कर गालियाँ दूंगी चाहे वो कोई भी हो। और जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे की बात करता है, इसका मतलब मेरे ससुर की रखी हुई रख है, समझ गया ना आप लोग, समझ गए ना पूरी बात। मेरी ससुर की रखी हुई रख है जो कि मेरे हस्बैंड की एज बताती है और मेरे हस्बैंड की एज पे डिस्कस करती है, मुंह काला करके उसने पैदा किया है मेरे हस्बैंड को। जो मेरे बेटे की एज की बात करती है, वो मेरे हस्बैंड की रख है जो मेरे बेटे की बात करती है। तो ऐसी गंदी औरतों को फिर मैं, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसी गंदी औरतों को अच्छे से फिर साफ़ कर देना चाहिए, तो मैं कर दूँगी, ठीक है। और सुन ओए कुतिया, तुझे जितना बोलना था तू बोल चुकी, तुझे क्या, तेरे जैसियाँ जितनी भी बोलनी थी सब लोगों ने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब मैं ना सुनूंगी, ना चुप रहूंगी, ना मैं ये बोलूंगी, मैं दिखावा नहीं करूंगी कि मेरे संस्कार हैं या मेरे संस्कार मुझे अब नहीं रोक पाएंगे। मैं एक्चुअली मेरे संस्कार अब तक रोकते थे ना, तो अब नहीं रोक पाएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं भर भर के तुम लोगों को दूंगी जवाब बहुत अच्छे से, और ऐसा ऐसा जवाब दूंगी ना कि तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तुम लोगों का गंदा सड़ा हुआ फफूंदी लगा हुआ जो मुंह है ना, फंगस लगा हुआ मुंह, और जो तुम लोगों के दिमाग से गंदे कीड़े निकलते हैं बिलबिलाते हुए, या मुंह से जो गंदी पॉटी निकलती है बदबूदार, इन सब चीज़ों को मैं सफाई करके रख दूंगी बहुत अच्छे से। क्योंकि अब मैंने ठान लिया है मैं रोज चैनल बनाऊंगी और बहुत अच्छे से गंदी रख कर तुम लोगों को दूंगी, अच्छे से रख कर दूंगी, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि गंदगी को साफ़ करने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ते ही हैं। हाँ, और रही बात, अगर लोग मुझ पर ये बोलेंगे, और मैं अब जितने कमेंट्स मुझे आते थे, मैंने पहले बोला था कि कमेंट्स के स्क्रीनशॉट मुझे मत भेजा करो, पर अब मैं बोलती हूँ कि सब लोग मुझे भेजना, बहुत अच्छे से भेजना। क्योंकि अब मैं जब वो रोज चैनल बनाऊंगी तो मैं एक एक का नाम ले लेकर मैं बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी से बातें बोलूंगी। और मैं इसलिए बोलूंगी ना कि इन लोगों को इनकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ये लोग सेफ्टी टैंक हैं, तो ये लोग सेफ्टी टैंक के अंदर ही रहें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर सेफ्टी टैंक से बाहर निकलने की ये लोग कोशिश करेंगी और बदबू फैलाने की कोशिश करेंगी, तो फिर मैं बहुत अच्छे से धुलाई भी कर दूंगी। इन लोगों को समझना पड़ेगा अब, और मैंने बहुत सह लिया और अब मैं सहने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मेरे ये संस्कार नहीं है, अब मेरे संस्कार जाएं एक साइड में, क्योंकि मेरे संस्कार से मैं मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे को जो करूँगी वो, और सोशल मीडिया पर भी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं गलत चीज़ ना लाऊं। इसलिए मैं रुकती थी अपने आप को हमेशा, मैं मेरी ज़िम्मेदारियों के प्रति, समाज के प्रति, हर चीज़ से रोकती थी अपने आप को। बट अब मैं इन चीज़ों को नहीं रोकूंगी। इन जैसी घटिया औरतों को जिनका मुंह तक दिखाने लायक नहीं है, ये उस घर की, उस महानालायक बुढ़े की जो गर्लफ्रेंड है, जो ये बहुत आई है रोस्ट करने वाली, अरे तू तो खुद रोस्ट हुई सली हुई जली हुई मांस का लोथड़ा है, तू मांस का लोथड़ा। और तेरे उस यार महानालायक बुढ़े ने मुझे लिपस्टिक खरीद कर नहीं दिया है जो मैं लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई की लिपस्टिक मैं लगाती हूँ। अगर तेरा थोड़ा उस लायक है दिखाने लायक जो तू मतलब नहीं दिखा सकती है, तुझे मतलब ऐसा लगता है मुंह तो तू नहीं दिखाती है, तो इसका मतलब तेरा मुंह दिखाने लायक नहीं है, घटिया। मतलब तूने ऐसे बड़े बड़े कांड करके रखे हुए हैं कि तेरा मुंह दिखाने लायक नहीं है, तू दिखा नहीं रही अपनी मुंह। मतलब ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, जो अपना, जिनका मुंह दिखाने लायक नहीं है उनका मुंह, वो मतलब इतने बड़े बड़े गंदे काम करती हैं जिनका मुंह दिखाने लायक नहीं होता है, और उसके बाद वो हम लोगों को बोलती हैं। तो अगर तुम लोगों का मुंह दिखाने लायक नहीं है तो इसमें तुम लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है, समझ में आया। और अपना जो तुम लोग गंदा काम करती हो ना, गंदा काम कर करके जो तुम लोग घर चला रही हो, तो उसकी जो अनाज खाती हो, इसलिए तुम लोगों को मतलब उस गंदे पैसे का जो अनाज खाती हो, तो तुम लोगों की गंदी बुद्धि है, और गंदी बुद्धि के कारण जो तुम लोग गंदी भाषा बोलती हो ना, तो वो भाषा अब मैं नहीं सहने वाली हूँ। मैंने बहुत सह लिया, बट अब मैं नहीं सहूँगी, सीधी सी बात है। अब जो मेरी फैमिली पर आएगा उसके मैं मुँह तोड़ जवाब दूंगी, और बहुत बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, क्योंकि मैं हूँ बाहर में पब्लिक प्लेस में, तो मुझे बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं अलग से बनाकर रोज चैनल घर में मैं दहाड़ूंगी और बहुत अच्छे से दहाड़ूंगी। तुम लोगों ने एक सोती हुई शेरनी को सच में जगा दिया है, और अब सब कुछ जाए भाड़ में। मैं एक एक की वाट लगा के रख दूंगी बहुत अच्छे से। अगर मेरा चैनल टर्मिनेट भी होगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं इन कुत्तियों को जवाब तो दे पाऊंगी अच्छे से, इनकी औकात तो दिखा पाऊंगी, तो इसलिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, और वेट कीजिएगा मेरे वीडियो का, और मे बी मैं यहाँ से एक दो दिन में फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं बात करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।